गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। प्रणाम, जय हिंद एंड वणकम। आज हम बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे, बांग्लादेश ही नहीं बांग्लादेश के बियॉन्ड भी बात करेंगे। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह। सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट, स्वागत। जय हिंद जय शंकर। सबसे पहले थैंक यू, आपने एक बार फिर से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है बांग्लादेश का, और एक ऐसे टाइम पर जबकि वहां पर इलेक्शंस अभी खत्म हुए हैं सिर्फ, और एक बार फिर से वहां पर स्ट्रेटेजिक रीसेटिंग की कार्रवाई होगी, तो ये टाइम अच्छा है जिसमें कि हम उसका डिस्कशन करें और देखें कि हमारा फ्यूचर में हमको क्या रीबैलेंसिंग करनी चाहिए बांग्लादेश के बारे में। बहुत अच्छी बात बोला आपने, स्ट्रेटेजिक रीसेटिंग, राइट, और रीबैलेंसिंग, ये दो बड़े शब्द आपने इस्तेमाल किए, और मैं पूरा यकीन करता हूं कि आप इसका बारे में विस्तार में हम सबको ज्ञान देंगे। सो आप शुरू कीजिए। जैसे आपने बोला, वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन, इसीलिए मेरे को यू नो व्हेन द इलेक्शंस वर हेल्ड एवरीथिंग, मेरा मन आपके पास आया, क्योंकि आपने इसी इलाके में अपना कोर कमांड किया और आपने इसी इलाके के बारे में, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बहुत अच्छी अपने प्रोग्राम किया। तो ऐसे ये बांग्लादेश इलेक्शंस का एनालिसिस आपसे ही सुनूंगा मैं, और मैं ही नहीं पूरा गनर शॉट कर। थैंक यू जनशंकर, आपके साथ इस चैनल पे बातचीत करने से हमने भी कुछ टर्म सीख लिए, स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग, स्ट्रेटेजिक रीसेटिंग, आपके लिसनर्स को हम ये टर्म दे सकते हैं। बट लिसनर्स, सबसे पहले मैं आपको खासकर जो लोग नॉर्थ इंडिया में है और उसके पैरेलल फेस्टिवल साउथ में भी होते हैं, मकर संक्रांति आ रहा है, तो उसका मैं आप सबको ग्रीटिंग्स देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एंड पंजाब में यहाँ लोहड़ी होगा और हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको बोलते हैं, लेकिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप सबको इसका ग्रीटिंग्स। और यह ऑल्सो कई मायनों में हमारे कैलेंडर के हिसाब से एक न्यू ईयर टाइप का इसका एक्टिविटी माना जाता है, तो उसके लिए भी आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट विशेस। तो देखिए, ऐसा है कि जब मैं IITs IIM में लेक्चर लेने जाता था, तो उस लेक्चर में मेरा एक थीम होता था अवेयरनेस अबाउट बॉर्डर्स। तो मैं एक सवाल पूछता था कि इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर किस कंट्री के साथ है? एंड माय डियर फ्रेंड्स, the answer that I used to get always is, they used to always say Pakistan. Then I used to say no, Pakistan, no, it's not the correct answer. Then some people would say China and try to justify ki China se hamara border pura nahi hai, isliye maine China nahi bola. Ye bhi karte, kyunki IIT aur IIM ke ladke to bahut intelligent hote na, to wo ekdam reason bhi bata dete saath. But the real answer is Bangladesh. India's longest or largest border is with Bangladesh. And it is the toughest border also. And this border, unlike many other borders, you know, jaise Pakistan ke border ke upar proxy war ke terrorists aate hain, arms aate hain, drugs aate hain, China ke border pe koi aisi cheez to nahi aati. बिकॉज वहां से कोई ऐसी हमारी तरफ एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर बड़े न्यू फिनोमेना, कैटल स्मगलिंग, जो कि और कहीं नहीं होती, यू नो, कैटल स्मगलिंग इन अ वेरी बिग वे एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये दो चीजें, और ये बॉर्डर जो है ये फेंस्ड है, मोस्ट ऑफ इट, कुछ बचा हुआ है वेस्ट बंगाल में जिसके ऊपर अब एग्रीमेंट हो गया है,
क्योंकि हमारी कंट्री में ना स्टेट गवर्नमेंट्स का भी रोल होता है, और हालांकि हम देख रहे हैं कि सेंटर इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग पावरफुल, बट स्टेट गवर्नमेंट स्टिल हैव द कैपेबिलिटी टू पुट अ स्पैनर इन द वर्क्स। तो यहां पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्पैनर इन द वर्क्स डाला हुआ था, जो कि कुछ लोग कहते हैं पॉलिटिकल रीजन भी थे, तो लेकिन अब वो फेंसिंग शायद कंप्लीट हो जाएगी, अबाउट 80% फेंसिंग है, एंड देर आर ऑल्सो रिवराइन स्ट्रेचेस, मतलब जहां पर स्ट्रीम्स है रिवर्स, वहां पे पेट्रोलिंग करना भी डिफिकल्ट, इसीलिए बीएसएफ को मरीन विंग दी गई है और बीएसएफ उसका यहां पर इस्तेमाल करेगा। जैसे कि जहां पर सुंदरबन का डेल्टा है और यहां पर मरीन के अलावा अगर आप अपना ध्यान ईस्ट की तरफ ले जाएं इस मैप के राइट की तरफ, तो आप देखोगे कि जहां पर वो नीचे चिटागोंग वगैरह आता है उस इलाके को बोलते हैं चिटागोंग या चिटोग्राम लिखा हुआ है यहां पर, उसको बोलते हैं कॉक्सिस बाजार चिटोग्राम, इस इलाके को बोलते हैं चिटागोंग हिल ट्रैक्स CHT, ये हिली एरिया है। वैसे तो बांग्लादेश प्लेन है और कई मायनों में लो लाइंग भी है, जैसे मालदीव्स में तो बहुत बड़ा खतरा है, यहाँ पर भी जो ओशन का राइज है जो कि ग्लोबल हीटिंग की वजह से हो रहा है, क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट एक्शन जिसको हम कहते हैं, तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग में बांग्लादेश को भी बहुत खतरा है, बिकॉज बांग्लादेश का भी काफी पार्ट सी के नीचे सबमर्ज हो जाएगा। लेकिन जो चिटोगांग हिल ट्रैक्ट है वो एक हिली एरिया है और उसमें काफी सारे हमारे जो पहले एक्सट्रीमिस्ट थे वो शेल्टर लेते थे, उन्होंने कैंप बनाए हुए थे, और चिटागोंग हिल ट्रैक की डेमोग्राफी भी बहुत डिफरेंट है, वहां पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं कुछ, मतलब वैसे तो बांग्लादेश में 91% मुस्लिम्स है, अबाउट 8% हिंदूज है, पहले तो 35% होते थे पार्टीशन पे, वो कम हो गए, अभी 8% रह गए, और 0.6 या 0.7 या 0.8 कह लो बुद्धिस्ट भी है। जो बुद्धिस्ट है वो इस इलाके में रहते थे, वो यहां से उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हुआ, उनको तंग किया गया, तो वो भागकर हमारे इधर भी आ गए, त्रिपुरा में आ गए, अरुणाचल पहुंच गए, और इन्होंने एक इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी बनाया जिसको शांति वाहिनी बोलते थे, और उसको चकमा जो प्रॉब्लम है वो यहां से स्टार्ट हुई। इसी तरीके से बांग्लादेश ने एक और प्रॉब्लम एक्सपोर्ट की है म्यांमार को, जिसको कि रोहिंग्या प्रॉब्लम कहा जाता है। जो ये रोहिंग्या मुस्लिम है ये दोनों तरफ रहते हैं, मतलब देखिए बांग्लादेश के जो बॉर्डर हैं वो सिर्फ दो कंट्री के साथ है, इंडिया और म्यांमार, बस इन दो के साथ। तो चकमा जो ये जो रोहिंग्या है ये दोनों साइड रहते हैं, ये इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, तो कुछ लिटरेचर उसको रोहिंग्या कहता है, कुछ रोहिंग्या कहता है, मैं रोहिंग्या बोल के ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं, पर कहीं कहीं मैंने रोहिंग्या भी सुना है। तो ये जो है ये वहां से चले गए हैं म्यांमार में, जो इधर रहते थे, और म्यांमार में तो थे ही, तो म्यांमार ने उनको भगा दिया है, अब वो इंडोनेशिया और कई कंट्रीज में जाते हैं। अगर थोड़ा सा हम बांग्लादेश को और देख लें तो एक चीज तो है कि आप इस मैप पे देखोगे तो बांग्लादेश इज द गेटवे टू आर नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे सेवन सिस्टर्स और वन ब्रदर सिक्किम और जो ये असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इनको जो कनेक्टिविटी है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक नैरो स्ट्रिप है, अबाउट 22 किलोमीटर ओनली, तो उसको अगर ये वो गेटवे को किसी एक्सटेंट तक इम्पैक्ट करता है, उसको उसके ऊपर असर डालता है, और इट कैन ऑल्सो बी गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया फॉर इंडिया। तो फॉर आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, फॉर आर
आउटरीच टू साउथ ईस्ट एशिया, बांग्लादेश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री. बांग्लादेश इज ऑल्सो द फोर्थ लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया एंड देन बांग्लादेश. बांग्लादेश इज सुन्नी मुस्लिम लार्जली, दे स्पीक बंगाली एंड दे प्रूव द फैक्ट दैट जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो कि आपको टेक्स्ट में मिलेगी नेशनलिज्म की, वो ये कहती है कि नेशंस आर बिल्ट ऑन कॉमन लैंग्वेज. और बांग्लादेश उस डेफिनेशन को पूरी तरीके से उसने वैलिडेट किया, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो वो रिलीजन के बेसिस पे बना और उसमें दो लैंग्वेजेस दो पार्ट्स में थी, उर्दू और पंजाबी वेस्ट पार्ट में थी और ईस्ट पार्ट में बंगाली थी. तो वो बंगाली को सप्रेस किया गया और बंगाली नेशनलिज्म राइज हुआ और बांग्लादेश बन गया. अब इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज वी आर ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस. इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू प्रोपाउंड अ कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म. ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप एक लैंग्वेज से बंधे हो, आप एक कल्चर में हो तो भी आप एक नेशन स्टेट बना सकते हैं. नहीं तो पहले हम इंडिया को एक नेशन स्टेट कहते थे जो कि जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस और डिफरेंट वो थे, और लेकिन अब हम कल्चर के अराउंड उसको बाइंड करते हैं. तो हम बांग्लादेश पे वापस आ जाते हैं. मैंने आपको बॉर्डर्स का बता दिया, मैंने आपको इनकी टेरेन के बारे में बता दिया. बांग्लादेश इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्सटेक. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ने बनाई थी, इंडिया ने लीड ली थी, जिसको बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टर इनिशिएटिव फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिम्सटेक, जिसमें कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका है. ये इसमें ये कंट्रीज हैं. ये थोड़ा सा एशियन में भी चली जाती है थाईलैंड के साथ और म्यांमार के साथ. सार्क की कंट्रीज तो हैं इसमें. अब सार्क ही डिफंक्ट हो गया, बिम्सटेक का हेडक्वार्टर ढाका में है. बिम्सटेक अभी भी थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा के चल रहा है, इट इज लिंपिंग. एंड ऑल्सो देर वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज क्रिएटेड विच वॉज कॉल्ड BBIN, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, जिसका एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट भी हुआ था. उसका कोई हेडक्वार्टर तो नहीं है लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी. पर वो देखिए इतना स्ट्रेंज सिचुएशन है कि वो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था पर उनकी पार्लियामेंट से रेटिफाई नहीं हुआ, भूटान ने किया ही नहीं अभी तक. तो ऐसे यहाँ पे कोऑपरेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट सी चीज है, लेकिन फिर भी चल रहा है. और अगर हम देखें तो बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, वर्ल्ड की लार्जेस्ट अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री. लगता बांग्लादेश गरीब देश है लेकिन जब श्रीलंका में फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस हुआ तो बांग्लादेश ने उसको एड दी. बांग्लादेश इज ऑल्सो आफ्टर इंडिया द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ साउथ एशिया. इट इज बिगर देन पाकिस्तान एंड श्रीलंका. इट हैज ओवरटेकन देम एंड इट इज ऑल्सो अ कंट्री वेयर यू नो इफ यू टेक इट विद इंडिया. The problems with Bangladesh are, like I told you, cattle smuggling, human trafficking. Also, there is a problem of river waters. Jo pani Bangladesh mein India se jata hai because India is the upper riparian. Dekhiye Bangladesh mein jo hamari Ganga Nadi hai, usko Padma Nadi ke naam se kehte hain. Aur jo Brahmaputra hai, jisko China mein Sangpo kehte hain, इंडिया में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, बांग्लादेश में उसको जमुना कहते हैं. हमारी यमुना से कंफ्यूज मत करें. तो जो इंडिया से पानी तीस्ता रिवर का जाता है और गंगा का जाता है
उसके ऊपर इंडिया ने फरक्का बैरेज बना लिया था, बराज, जिससे कि हम वाटर को इरिगेशन वगैरह में यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि बांग्लादेश में जब लीन सीजन आता है तो वाटर की कमी आ जाती है, पद्मा रिवर में खासकर, जिसकी वजह से बांग्लादेश में रिवर्स में सिल्टिंग बढ़ती है। तो बांग्लादेश इज ऑलवेज रिक्वेस्टिंग इंडिया टू हैव ए रीलुक एट मिनिमम वाटर एश्योर्ड टू बांग्लादेश। ये एक प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। जो एक और प्रॉब्लम थी एनक्लेव्स की, वो सॉल्व हो चुकी, उसमें एक्सचेंज हो गया, तीन बुगा कॉरिडोर वगैरह, और इंडिया ने लार्ज हार्टेडनेस दिखाई। इससे पहले इंडिया ने एक आइलैंड भी किया था 20-25 साल पहले, बांग्लादेश को दे दिया था। तो बांग्लादेश के साथ इंडिया ने लार्ज हार्टेडनेस दिखाई है कई चीजों में, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। और इंडिया की कॉपरेशन बांग्लादेश से काफी है, हम उनको पावर सप्लाई भी करते हैं, हमने प्रॉपर ट्रांसमिशन लाइन्स भी लगाई हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि बुल इन द चाइना शॉप या एलिफेंट इन द रूम, या जो कबाब में हड्डी बन के आ जाता है, वो है चाइना। वो बहुत बड़े मायनों में है, और चाइना जो है वो अभी बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 31% ऑफ बांग्लादेश इंपोर्ट्स कम फ्रॉम चाइना, एंड चाइना इज आल्सो द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स। अभी लेटेस्ट टैंक्स बांग्लादेश ने चाइना से खरीदे, तो चाइना वहां सबमरीन बेस भी बना रहा है, तो चाइना सबमरीन भी सप्लाई कर रहा है। तो बांग्लादेश की जो मिलिट्री का लगभग 50-60% जो कंपोनेंट है वो चाइना का। उससे क्या होता है कि चाइना और पाकिस्तान को कैपेबिलिटी मिलती है कि वो बांग्लादेश में जाएं बार बार इक्विपमेंट की ओवरहॉलिंग के लिए, रिपेयर्स के लिए, एक प्रेजेंस एस्टेब्लिश करके रखे। वो है, दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, वी कांट विश इट अवे। और बीआरआई का इस्तेमाल करके 2008 से 21 के बीच में चाइना ने अपनी एवरेज एनुअल ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस यहां पर $994 मिलियन से बढ़ाकर $3.4 बिलियन कर दी। इतना एक्सपेंशन अपनी एड का कर डाला, तो डिपेंडेंसी तो उन्होंने क्रिएट करी थी। और जो बांग्लादेश का, बांग्लादेश के जो पोर्ट्स है, सबसे बड़ा पोर्ट है चिटागोंग, जिसको चिटोग्राम भी कहते हैं। फिर पोर्ट है मोंगला, जो कि वेस्ट की तरफ आ जाए, कोलकाता की तरफ आ जाए, वेस्ट की तरफ, तो वो वेस्ट की तरफ वो पोर्ट है मोंगला। मैं अगर यहाँ पे हाथ रख दूं तो रफली, इट वोंट सी सर, बट कलकत्ता के नीचे राइट में है वो, अभी दिखेगा ये नहीं, दिखेगा नहीं वो, दिस देयर इज अ लिमिटेशन, यू कांट शो इट हियर ऑन अ पॉइंट। ओके, सो कोलकाता और चिटोग्राम को आप अगर एक लाइन खींचे तो अबाउट 1/3 अवे फ्रॉम कोलकाता इज मंगला पोर्ट। नाउ मंगला पोर्ट इज एन इंटरेस्टिंग पोर्ट जिसमें चाइना भी काम कर रहा है और इंडिया भी कर रहा है, दोनों इन्वॉल्व। नाउ हाउ मच ऑफ दैट कैन बी यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस इज अ क्वेश्चन मार्क, बट दोनों कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन चाइना इज ट्राइंग टू मेक अ सबमरीन बेस फॉर बांग्लादेश, जो कि प्रोजेक्ट इंडिया किसी तरीके से उसको स्लो कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले एक कोशिश की थी चाइना ने, एक सोनादिया पोर्ट भी है, जो कि अगर आप चिटोग्राम की लाइन से नीचे को देखें तो एक डीप वाटर पोर्ट था ये, और ये आइलैंड के ऊपर था। इसको
चाइना ने काफी हद तक आगे ले गए थे, लेकिन बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया ऑन दिस ग्राउंड्स कि ये इकोलॉजिकली ठीक नहीं है। एक डिप्लोमेटिक रीजन टूटा गया और इसको मरीन लाइफ के अगेंस्ट दिखाकर इसको बंद कर दिया गया। तो लेकिन हमारे लिए ये सोच लेना कि चाइना रुक गया ये नहीं है, चाइना कोशिश करता रहेगा। एंड दीज आर द रियल चैलेंजेस फॉर अस टू टेक केयर ऑफ। कॉक्सेस बाजार भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है जो कि आप देख सकते हो इसमें दिखाया गया है, और इसमें भी चाइनीज की थोड़ी थोड़ी प्रेजेंस है। और अगर हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को देखें तो जापान इज द बिगेस्ट एड गिवर असिस्टेंस। चाइना का इकोनॉमिक वो है, बट एड जो कि चाइना जो असिस्टेंस देता है वो कमर्शियल होती, 5-6% इंटरेस्ट पे देते, बट जापान लॉन्ग टर्म एड देता है, इसलिए जापान का इन्फ्लुएंस भी यहां पर काफी है। अमेरिका भी कोशिश करता है। अमेरिका की अभी रीसेंट में जो यहां पर एक्टिविटी थी वो ये थी कि उन्होंने इलेक्शन से पहले बहुत हल्ला मचाया और कोशिश की कि बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट लगा दी जाए। एक ऐसा प्रोविजन होता था पहले इंटरिम गवर्नमेंट का, जैसे आजकल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में अभी केयर टेकर गवर्नमेंट। कई कंट्रीज में इलेक्शन से पहले एक केयर टेकर गवर्नमेंट लगा दी जाती है जो कि न्यूट्रलिटी इंश्योर करती है। लेकिन बांग्लादेश का एक्सपीरियंस यह था कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट एक बार लगाई गई तो उसने छोड़ने से मना ही कर दिया, और उसने फिर मैनिपुलेशन करके कंट्री को प्रेसिडेंशियल कर दिया और बीएनपी को बिठा दिया गद्दी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी जो कि खालिदा जिया की पार्टी, जो कि जनरल इरशाद की पार्टी, उसको वहां पर उन्होंने चेयर में डाल दिया। तो इस बार अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है, जो कि मुजीबुर रहमान फादर ऑफ नेशन की पार्टी है, उसने मना कर दिया। अब आप देखें तो बांग्लादेश एक्चुअली में इंडिपेंडेंट हुआ, मुजीबुर रहमान बने, और उसके बाद पहले तो उनकी जगह कोई और थे, फिर वो आए, फिर वो बन गए, मतलब केयर टेकर टाइप थे। ही वॉज इन कैप्टिविटी, ही केम एंड ही टुक ओवर। उसके बाद में वो कई साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन फिर स्थिति बदली, उनको मार दिया एक कूप में, और फिर यहाँ पर एक जिया नाम के एक थे, जियाउर रहमान, जियाउल हक नहीं, जियाउर रहमान मेजर थे, उन्होंने पावर सीज कर ली। उसके बाद में फिर एक जनरल इरशाद आए, उन्होंने पावर ले ली, एचएम इरशाद, और अब उनकी वाइफ उस पार्टी को हेड करती, बेगम खालिदा। तो दो बेगम है, एक तो शेख हसीना बेगम है और एक बेगम खालिदा, बेगमों की लड़ाई आजकल कहते हैं। इस इलेक्शन में बीएनपी ने पार्ट नहीं लिया, उन्होंने बॉयकॉट किया, उन्होंने कहा कि आपने न्यूट्रल नहीं है तो हम पार्ट नहीं लेंगे। अब इलेक्शन के बाद ऑब्जर्वर भी आए थे, इंडिया से भी गए थे, ऑब्जर्वर्स ने ये रूल किया है, यूएन के ऑब्जर्वर्स ने और यूएस वालों ने और ओईसीडी कंट्रीज जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने ये रूल किया है कि ये इलेक्शन फेयर नहीं थे। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो इस इलेक्शन में जो पार्टिसिपेशन लेवल था वो 40%, जो बांग्लादेश जैसी कंट्री के लिए बहुत लो है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बांग्लादेश हम चाहे कुछ भी सोचे कई मायनों में हमसे आगे, विमेन का जो रोल बांग्लादेश में है वो इंडिया से बहुत आगे। वहां विमेन एक बड़ी पोटेंट फोर्स है, वहां पे विमेन कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाती है, विमेन ग्रामीण बैंक चलाती है जिसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला यूनुस को। तो वो माइक्रो लेंडिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें बहुत ही आगे, और विमेन ने डेवलपमेंट को काफी लीड किया है बांग्लादेश। तो
ऐसी कंट्री में 40% वोटिंग इंडिकेट्स दैट लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज डिसिल्यूशन. सो इंडिया शुड नॉट. लास्ट टाइम इट वाज 80%. लास्ट टाइम इट वाज 80% पॉप. थैंक यू सर, आई वाज नॉट गेटिंग दिस फिगर. थैंक यू. तो इंडिया शुड नॉट सिट बैक ऑन इट्स ऑन्चेस एंड थिंकिंग कुर्सी में आराम से बैठा है कि भैया अब यह बन गई है. यही ऐसी कंट्री में कोई पता नहीं. तो इसलिए हमको केयरफुल रहना चाहिए. अब हमारे जो बांग्लादेश से जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है. देखिए, जैसे हम चाहते हैं कि बांग्लादेश हमको एक फ्रेंडशिप ट्रांजिट कॉरिडोर दे जिससे हमको सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे इतना डिपेंड ना करना पड़े. एक तो सिलीगुड़ी में ही एक कॉरिडोर है जिसको बोलते हैं तेतुलिया कॉरिडोर. वो तेतुलिया कॉरिडोर वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही एक कोने से लेकर दूसरे कोने का है. वो बांग्लादेश के बीच से थोड़ा जाएगा. हम एलिवेटेड रोड की बात कर रहे हैं. वो भी कुछ मायने में उस कॉरिडोर को डेप्थ देगा. तो ये एक तो वो है, लेकिन वो अभी तक बांग्लादेश ने दिया नहीं हमको. इसी तरीके से अभी हमारी बांग्लादेश में कनेक्टिविटी है. पेत्रापोल, बेनापोल, इस तरह के ट्रांजिट पॉइंट है. मैत्री एक्सप्रेस चलती है, बस चलती है ढाका से. तीन चार ट्रेनें चलती हैं डिफरेंट लोकेशंस को. अब अखौड़ा से भी ट्रेन चल पड़ी है त्रिपुरा की तरफ से. तो ये सब तो है, लेकिन हमारा ये है बांग्लादेश से कि इसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, इसको और प्रॉपर करना चाहिए. इनलैंड वाटर कॉरिडोर भी होना चाहिए. सो बिकॉज वी वॉन्ट टू रिड्यूस आर वल्नरेबिलिटीज एंड वी वॉन्ट टू हैव एश्योर्ड एंड वी आर रेडी टू पे ट्रांजिट फी विच इज रीजनेबल. बट एज येट वी हैव नॉट बीन एबल टू रीच करेक्ट एग्रीमेंट ऑन दिस. आई ऑल्सो वॉन्ट टू यूज दिस फोरम टू सेल्यूट शेख हसीना. Because in a country which was becoming Islamic or Islamist, she has tried to bring an air of secularism. Chahe wahan pe itna wo nahi hai, Hindus ko itna wo freedom nahi hai, lekin phir bhi usne ye koshish ki hai aur usne in logon ke khilaf cases kiye hain, unko saza bhi di gayi hai aur usne sabse bada initiative jo India ke liye liya. वहां पर जितने भी हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स अब शेल्टर और कैंप लगा के बैठे थे, उल्फा का अनूप चेतिया और ये लोग, परेश बरुआ, ये वहां से ऑपरेट करते थे. एनएससीएन आईएम का एंथनी शिमरे जो कि वेपन्स एक्विजिशन और इसका इंचार्ज था. क्योंकि देखिए, ऐसा है, किसी भी बड़ी कंटेनर किसी भी बड़ी स्टीमर में, नॉट कंटेनर, स्टीमर में आप कॉक्सेस बाजार जैसे इलाके में हथियार उतार दो और फिर वो स्मगल हो जाते. तो इसलिए इसने सबको भगा दिया और उसने, शेख हसीना ने अनूप चेतिया को इंडिया को हैंडओवर किया, जो कि बहुत रेयरली होता है. और अनूप चेतिया ढाका में बिजनेस चलाता था, उसके होटल थे, बहुत बड़ा आदमी बन चुका था, जैसे दाऊद इब्राहिम बन चुका है कराची में. लेकिन उसने उसको हमको हैंडओवर किया. तो शेख हसीना हैज बीन a big factor in stability in northeast and reducing support for the terrorist groups. unke liye jo support base tha wo usne kafi had tak kam kiya hai. challenges to hai, jaise ki ek challenge ye bhi hai ki kis tarike se transit arrangements ya visa arrangements honge. kyunki india ko hamesha ye fear hai कि डेमोग्राफिक इन्वर्शन का, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स बांग्लादेश के साथ लगते हैं उनकी डेमोग्राफी बहुत बदल चुकी है. इसीलिए CAA, NRC ऐसे लेजिस्लेशन लाए गए हैं. तो कितना इसमें से बांग्लादेश कॉपरेट करेगी, कितना हम आगे लेके जाएंगे, लेकिन दीज चैलेंजेस रिमेन. चैलेंजेस ऑफ ट्रांजिट रिमेन, river water remain, cooperation in supply of power is currently good, but then Bangladesh wants
स्पेशल ट्रांसमिशन लाइंस, जो कि इंडिया अभी तक हैज नॉट गिवन इट सो मच ऑफ प्रायोरिटी. देयर इज ऑल्सो द प्रॉब्लम एट अ लार्जर लेवल ऑफ माइंडसेट. जैसे कि आई हैव इंटरेक्टेड विद सम बांग्लादेशीज एंड दे टेल मी दैट इंडिया टेंड्स टू अप्लाई ए जीरो सम फॉर्मेट. क्या है जीरो सम फॉर्मेट? ईदर मी और हाईवे, माईवे और हाईवे. मतलब आप सिर्फ इंडिया से कॉपरेट करो, चाइना को मत आने. लेकिन बांग्लादेश के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना के पास पैसा भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की कैपेबिलिटी भी है. तो चाइना कर रहा है, चाइना ने बांग्लादेश में ब्रिज बनाए हैं, रेलवे लाइन बनाई है. ओनली थिंग चाइना को बांग्लादेश नोज इंडिया सेंसिटिविटी, तो वो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है कि वो इंडिया को इम्पिंज नहीं करती. लेकिन बना तो रहा है और हो तो रहा है वहां पे चाइना का इकोनॉमिक असिस्टेंस. तो अब इसके बीच में इंडिया विल हैव टू रिमेन विजिलेंट, जैसे हम सोनादिया पोर्ट में थे, जैसे हमने भी मंगोला में मंगला पोर्ट के अंदर हमने भी लिया है शेयर. तो जहां भी हमको मौका मिले हम अपना शेयर लें, जैसे हमने कोलंबो में किया, श्रीलंका में कुछ चाइना कर रहा है कुछ हम कर रहे हैं, जैसे चाबहार में हो रहा है अभी. तो हमको चाइना के साथ वील हैव टू लर्न टू लिव विद, वील हैव टू कार्व आउट अवर ओन स्पेस, वील हैव टू ऑल्सो डेवलप केपेबिलिटीज विच आर यूनिक सो दैट द पीपल हैव टू बैंक ऑन अस. आर वी डूइंग दैट? ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि बांग्लादेश एक स्ट्राइविंग नेशन है. इट इज गॉट टूडे द हाइएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीस बिल्डिंग मिशन. देयर आर्मी इज फेयरली गुड, देयर सोल्जर्स आर क्वाइट वेल ट्रेंड, they are like us, sirf, and they are not cutter, they are not radical, they are more liberal than this thing. So though radicalism is there over there, so India will have to also help them to that extent. So these are the challenges which India has, and Indian politicians sometimes are not careful. Wo Bangladesh ko koi insect keh deta hai, koi kuch aur keh deta hai, wo kehna theek nahi hai. बिकॉज हर कंट्री का अपना एक एक वो होता है. और इंडिया में जैसे कि लेबर लोग हैं जो बेचारे घरों में काम करते हैं, उनको हम बांग्लादेशी बोलते हैं. आई डोंट नो इट इज इफ इट इज अ करेक्ट टर्म टू यूज, क्योंकि अगर वो बांग्लादेशी, जैसे आपको मालूम है गुड़गांव में जब ये नू में राइट्स हुए थे, तो वो बांग्लादेशी जिसको हम कहते हैं वो भाग गए थे, या तो बंगाल चले गए थे या बांग्लादेश तो नहीं गए थे, वो चले गए. उन कॉलोनीज के लोग रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे उनको वापस ले आओ, और वो वापस आए तो रह भी नहीं सकते उनके बिना. दैट इज अ लेबर फोर्स विच इज अवेलेबल. सो इंडिया विल हैव टू ईदर बिल्ड केपेबिलिटी विद इन आर सेल्व एंड रिमेन केयरफुल, कि कोई जरूरत नहीं है किसी को ये ऐसे वर्ड्स यूज करना है कि बांग्लादेशी एंड ऑल दिस, बिकॉज ऑल ऑफ दिस ट्रेवल्स बैक. वी हैव टू रिमेन केयरफुल, वी हैव टू कल्टीवेट दिस कंट्री. बिकॉज सी, आप अपने आसपास की कंट्रीज को अगर देख लोगे तो आपको खुद ही लगेगा, देखो चाइना तो आएगा ही, और चाइना का एम भी ये है कि हमको बाहर रखे. तो चाइना हैज गॉट इट्स फुटप्रिंट फर्मली इन म्यांमार, वेरी फर्मली. अगर जब तक वहां मिलिट्री रूल है तो उसका चाइना का फुटप्रिंट, वैसे भी चाइना ने वहां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, एक था BCIM, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर. इट वॉज ईस्टर्न वर्जन ऑफ BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. वो खत्म हो गया,
क्यों खत्म हो गया? बिकॉज फ्रेंकली इंडिया डजंट वांट इट। इंडिया को पता है जिस दिन वो कॉरिडोर बनेगा तो उससे इंडिया का फायदा नहीं होगा। द प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना विल कम एंड फ्लड नॉर्थ ईस्ट। सो इसलिए हम भी बीसीआईएम में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। चाइना ने क्याकफू पोर्ट बना लिया है, पाइपलाइन डाल ली है और लिंक बना लिया है कुनमिंग तक, वो सब चाइना ने कंस्ट्रक्ट अपना कनेक्टिविटी कर लिया है। तो चाइना इन म्यांमार इज फर्मली प्लांटेड। ओनली इफ मिलिट्री रूल गोज आउट देर मे बी सम रीबैलेंसिंग, स्ट्रेटेजिक रीकैलिब्रेशन, रीबैलेंसिंग, रीसेटिंग कुछ हो सकता है, उसमें इंडिया का रोल इंक्रीज हो सकता है। नाउ लेट्स गो टू भूटान। इन भूटान नाउ इन दिस सेप्टेम्बर द भूटनीज दे फर्स्ट टाइम दे वेंट एंड विजिटेड बीजिंग फॉर बॉर्डर टॉक्स। दे हैव ऑलरेडी साइंड अ वर्किंग एग्रीमेंट टाइम टेबल, सो देर इज अ टॉक टू रिजॉल्व दिस बॉर्डर इशू। Luckily for us, in these elections, the government which has come is little more favorable towards India. But then what? Jab Bangladesh, jab Bhutan mein aap dekho, to sara communication jo hai, wo Chinese apps hai, Chinese wahan par technology chal rahi hai. China ne sabse bada wahan pe Buddha banaya hai. To China jo hai, वो तो वहां आया ही आया है, कितना जल्दी आएगा ये पता नहीं। हो सकता है इस साल या अगले साल में चाइना की एम्बेसी भी खुल जाए। तो चाइना इज गेटिंग इनटू भूटान इन ए बिग वे, जो इंडिया का एक प्रोटेक्टेड टाइप कंट्री था दैट में कम लूज। नेपाल, चाइना इज ऑलरेडी गॉट इट्स फुटप्रिंट। मालदीव्स यू आर स्टिल, अभी अभी आप सुन रहे हैं गरम गरम खबर। और श्रीलंका में तो हम्बन टोटा। देखिए, आप अगर रेजिलियंस दिखाओगे, प्रिजर्व करोगे, तो आप सुन रहे हैं कि मटाला एयरपोर्ट जो हम्बन टोटा के साथ में है, विच इज कॉल्ड वर्ल्ड 70th एयरपोर्ट, उसका ऑक्शन हो रहा है, उसको किसी कंट्री ने लेना है एंड उसमें इंडिया इज प्लानिंग टू टेक इट अलोंग विद वन मोर कंट्री। आई एम फॉरगेटिंग, इंडिया एंड वन मोर कंट्री इज प्लानिंग टू टेक दैट एयरपोर्ट। इंडिया एंड रशिया, दे आर सरप्राइजिंगली, रशिया एंड इंडिया आर ट्राइंग टू कॉपरेट टू टेक ओवर दैट एयरपोर्ट। तो इसी तरीके से बांग्लादेश में, मैंने आपको डेवलपमेंट का बताया, बांग्लादेश में इवन कम्युनिकेशन आप देख लो, हुआवी इज इन ए बिग वे। हमारा नहीं है भारतीय एयरटेल वहां पे, या वोडाफोन नहीं है, या रिलायंस जियो। तो वहां पर जो कम्युनिकेशन फुटप्रिंट है वो चाइनीज कंपनीज के हाथ में। तो चाइनीज कंपनीज हैव गॉट अ ग्रोइंग फुटप्रिंट इनटू बांग्लादेश। वी हैव टू रिमेन केयरफुल, वी हैव टू, लाइक आई टोल्ड यू, इलेक्शन के बाद हमको एक तो मेरा रिकमेंडेशन हमारी गवर्नमेंट को ये होगा कि वी शुड ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग इलेक्शन। इट शुड नॉट अपियर जैसे नेपाल में चाइनीज एम्बेसडर का हुआ था, हमको ऐसा नहीं अपेयर होना चाहिए किसी भी कंट्री में। जैसे अभी मालदीव्स में कह रहे हैं, वी शुड हैव लिंकेजेस इन बोथ पार्टीज। जैसे हमने अफगानिस्तान में देखा कि अगर आपके लिंकेजेस नहीं थे तालिबान से तो आपने सफर किया, आपके लिंकेजेस सिर्फ नॉर्दर्न अलायंस से थे। तो समहाउ वी आर ए ह्यूज बिग कंट्री, we have capability to follow both sides, aisi capability hai hamari country mein, diversity hai, hum keh sakte hain government nahi kar rahi, koi aur kar raha hai, us agency ko chalate raho, then that will become a conduit for you to repair your relations. kal khuda na khasta bnp power mein aa jaye to kya karenge aap? wahi hoga jaise muizu ke sath chal raha hai maldives mein। So we should, in my appreciation, reopen our links with BNP. And we have some links. It's not as if it's zero, but it's good to relink. And
वी हैव डिफरेंट वेज टू रीलिंक विद देम. सो सम ऑफ आवर एलिमेंट्स विच आर ट्रैक टू नॉन गवर्नमेंट दे शुड बी एनकरेज कि आप उनको कल्टिवेट करो ताकि टाइम आने पे कुछ नहीं लगता टाइम कि आप उसको पकड़ के गवर्नमेंट के साथ जोड़ दो और वो ऑफिशियल बन जाएगा. सो देर इज अ नीड फॉर अस टू फोकस इन दिस फील्ड. ऑल्सो समवेयर आई फील इन स्ट्रेटेजिक टर्म्स इंडिया शुड, हालांकि बांग्लादेश इज नॉट सो कीन टू टेक वेपन्स फ्रॉम अस. जैसे अगर हमारी लड़ाई हुई तो किससे होगी, बॉर्डर तो आप ही के साथ है. तो बट समहाउ इंडिया शुड डेवलप विद बांग्लादेश, ट्राई एंड इंक्लूड देम इन अवर आर्म्स डेवलपमेंट. सम आर्म्स वी शुड ट्राई एंड गेट देम टू जॉइंटली प्रोड्यूस, डू सम एक्टिविटी इन बांग्लादेश एंड डू मोस्ट ऑफ इट इन इंडिया, बट देन स्लोली रिमूव चाइना आउट ऑफ इट एंड पुट इंडियन वेपन्स इन बांग्लादेश. Because it's a market, it also reduces Chinese presence for overhauling and repairs. And Pakistani bhi aate hain China ke behalf pe because unke paas same weapon system hai. To usko hume jarur focus karna chahiye. We should think of that. And otherwise, we are lucky that Sheikh Hasina has won. In Bangladesh, military has very significant role, and it plays role even in conduct of elections and all, because they rely on the logistics of military in a big way. And unlike us, unke PM office mein ek major general baitha rehta hai. Main usse mila hoon jab main Bangladesh gaya tha, and he is consulted by PM. Dekhiye. हमको अपनी नेबरिंग कंट्री से सीखना चाहिए कुछ ना कुछ. वहां के पीएम को आर्मी के बारे में करेक्ट इनपुट देने के लिए एक आदमी उसका ऑफिस में बैठा, हमारा पीएमओ में कोई नहीं है. यू शुड थिंक इज इट रिक्वायर्ड, इज इट पॉसिबल, शुड वी हैव वन, क्योंकि इट विल गिव बेटर कनेक्टिविटी. मैं तो हमेशा कहता रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं कि आरएम को एक आदमी से एडीसी भी लेना चाहिए. एक जनरल तो लिया है उन्होंने अपने एडवाइजर, जहां जाए उसको साथ लेकर जाए ताकि वो सेरेमोनियल तो ठीक करा दे उनके, तो वो सब उनको इसमें फोकस करना चाहिए उन लोगों को. पहले जो अरुणाचलम आरआरएम होते थे उन्होंने लिया था एक मेजर को स्टाफ ऑफिसर, मेरी रेजिमेंट के थे वो. तो दिस इज and Bangladesh has also got a BDR, which is a BSF kind of a force, which is also a powerful force they in their country. So these are a few things about Bangladesh I thought I'll share with you. But to us, Bangladesh is an important country. It is gateway to our northeast. It reduces our vulnerabilities of Siliguri corridor, and it can help us to check Chinese influence and also operationalize our Act East policy if we work together. So that's all I wanted to say, because we have gone on for about 46 minutes. So let's have about 14 minutes of questions and yes, see sir. If we can address some other issues. Agar koi aur questions hai, to hum koshish karte hain unko discuss karne ki. Right. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इससे पहले आपने जैसे बताया कि उनके इलेक्शंस जो हुए हैं सिर्फ 40% वोट पे हुए हैं, तो जो दो शेख हसीना इज कम्प्लीटली आई वुड से टू अ लार्ज एक्सटेंट शी इज प्रो इंडिया एंड शी इज डन अ लॉट, जैसे आपने बताया है. इस इलेक्शन के बाद उनका पोजिशन मेरे हिसाब से उतना स्ट्रांग नहीं है जितना पहले था, और मैं जो देख सकता हूं, हम सब देख सकते हैं कि दे माइट बी पॉलिटिकल इश्यूज कमिंग अप इन बांग्लादेश. राइट, द क्वेश्चन इज हाउ डू वी हैंडल दिस. कुछ हद तक आपने बता दिया दैट यू हैव टू ओपन अप लिंकेजेस विद द ऑपोजिशन आल्सो, दोनों तरफ के लोग,
Is there anything else we should do? Because many of our projects in Bangladesh will be at risk if there's political instability in, in that area. एक तो जनशंकर, मेरा बेसिक इशू ये है कि जो हम हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है जो हमने बना रखा है, एंड लाइक मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इट इज अ पेपर ऑर्गेनाइजेशन. डिफंक्ट है वो, काफी डिफंक्ट है। उसको हम ऑपरेशनलाइज करें प्रॉपरली. और जैसे हम चाइना में क्या होता है कि जब भी हम चाइना के साथ कुछ भी करना चाहते हैं तो चाइना हमारे डेलीगेशंस को बीजिंग नहीं लेके जाता, वो या तो चेंगडू ले जाता है या कुनमिंग ले जाता है. दे ट्राई टू गिव इट ए कैरेक्टर ऑफ रीजनल कॉपरेशन, प्रोविंस बेस्ड. वी नीड टू ऑपरेशनलाइज दिस कॉन्सेप्ट. वी नीड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल लाइक नीति आयोग. गिव देम चार्टर, गिव देम ऑटोनोमी, गिव देम फाइनेंसेस एंड ट्रस्ट देम. ये डरना नहीं चाहिए हमें. एक तो हमारे हमने ओवर सेंट्रलाइजेशन कर रखा है तो हमको कहीं ना कहीं, और दूसरा हमको कई मायनों में हमको जो ये इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट है ये कम करनी चाहिए. बिकॉज क्या था, बहुत हद तक ये जो फरक्का और तीस्ता का जो प्रॉब्लम था इसके ऊपर कंसेंसस हो गया था. और ये जब हम एनक्लेव हमने दिए तो इसके ऊपर भी एग्रीमेंट होने वाला था, लेकिन ममता बनर्जी ने लास्ट मिनट के ऊपर रोक दिया पॉलिटिकल रीजन से. तो इफ सेंटर कोऑपरेट्स विद, अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, एक्चुअली समटाइम्स यू वंडर कि हम चाइना से लड़ रहे हैं या अंदर ही लड़ रहे हैं कई स्टेट्स. तो वहां तो हम तो ये हो रहा है, तो उसको हमको कम करना चाहिए. आई होप आफ्टर 2024 इलेक्शंस ऑल पार्टी शुड सिट टुगेदर एंड समहाउ कम टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन यू नो नेशनल लेवल इश्यू, कि यहाँ पे हमको वो नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स. और उसमें हम देखेंगे कि हम दूसरे रिवर्स से टैप करके कैसे हम ये बांग्लादेश की एस्पिरेशन को थोड़ा मीट करने की कोशिश करें. मैं नहीं कहता अपने सारे इंटरेस्ट आप दे दो, लेकिन अगर आप कुछ कंसेशन उनको दोगे, हालांकि बांग्लादेश के केस में इंडिया की ये सबसे बड़ी क्रिब रही है, सबसे बड़ा इंडिया का दुख ही रहा है कि हमने बांग्लादेश को बनाया और फिर वहां पर जिया और रहमान और इरशाद और खालिदा जिया जैसे लीडर बन गए. पर ऐसा तो होगा, ये तो नहीं, होता वो तो होना ही था, ही है, क्योंकि ये तो होता वो तो ईस्ट पाकिस्तान था, वो तो हमारा दुश्मन था इससे पहले, राइट? ही है. हाँ तो वो तो होगा ही, ये वो तो तो है. होगा तो ही। यही मेरे सजेशन थे कि कुछ स्टेट्स का कॉपरेशन बढ़ाएं, एक्ट ईस्ट का करें और दूसरी पार्टीज को रीच आउट करें. और ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हम चाइना के ऊपर अपनी नजर रखें ताकि चाइना जो कर रहा है उसके बारे में जाने और उसको हम किसी तरीके से काउंटर कर सकें. या आई थिंक यू आर इसमें ना, दिस एक्सचेंज जो अभी हमने किया उसमें आपने जो पहले शब्द इस्तेमाल किया स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग, वो आपने सही तरीके से बता दिया। क्योंकि स्ट्रेटेजिक रीबैलेंस जो है, आप जिस तरीके से अभी बाहर निकल रहा है ये डिस्कशन में, ये हमारा इंटरनल स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग। इनफैक्ट इट इज नॉट स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, इट इज पोलिटिको स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग। यस और जब तक हमारा इंटरनल पॉलिटिकल कंसेंसस ना हुआ तो ये बात चलती रहेगी। क्योंकि आप आपकी बात आपके बारे में बता रहे हो, इफ आई गो टेक माई माइंड बैक टू द 80s, जब हम थे उस वक्त, पहली बार मैं जब इस इलाके में गया था वो इट वॉज इन 79-80, तब से अभी तक ज्यादा हालात बदला नहीं, माइंड सेट्स हैव नॉट चेंज। हालांकि वी हैड द मोस्ट फ्रेंडली गवर्नमेंट फॉर द पास्ट टू टर्म्स, राइट?
और काफी हद तक इन्होंने हेल्प किया है, और बहुत कुछ हो सकता है। और जैसे आपने बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा कनेक्टिविटी टू द नॉर्थ ईस्ट इज इम्पॉर्टेंट। द सेकेंड पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग विच आई वुड लाइक यू टू एक्सपैंड अ बिट इज ऑन मिलिट्री डिप्लोमेसी। आपने इसका टच किया है, पर थोड़ा बहुत इसके ऊपर आप एलाबोरेट कीजिए। मिलिट्री डिप्लोमेसी आई थिंक इज अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक रीबैलेंसिंग, नॉट ओनली विद बांग्लादेश, विद ऑल आवर नेबर्स। See, India is very hesitant to use military as an instrument of diplomacy. Baki dusri countries ke andar military diplomats bahut hain, jaise ki Bangladesh ki le lo aap, bahut sare retired generals in Bangladesh. If you take their diplomatic corps, because I did NDC course with two Bangladeshi officers and they were telling me That उनके जो डिप्लोमेटिक कोर है, जो एम्बेसडर्स है, उसमें 25-30% पुराने फौजी हैं। हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमने अभी कुछ कंट्रीज में अपनी प्रेजेंस की है। पहले तो ऐसा था कि अबाउट 95 और 100 कंट्रीज हैड मिलिट्री प्रेजेंस ऑफ डिफेंस अटैचीज इन न्यू दिल्ली। And in return, we had 56 or so, which we have gradually increased. So, diplomacy में तो ये होता है quid pro quo. आप करोगे तो मैं वैसे ही करूँगा. अगर आप वीजा रोकोगे तो मैं रोक दूंगा. अगर आप किसी को expel करोगे तो मैं भी उसी level के आदमी को निकाल दूंगा. तो अगर आप ऐसे vacant रखोगे 30-40 country में तो वो भी बंद कर देगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि उसको क्या है, क्या लेना देना। तो इसलिए वी शुड एक्सपेंड आवर फुटप्रिंट ऑफ मिलिट्री डिप्लोमेसी, एंड आल्सो आवर एम्बेसडर्स आर वेरी हेजिटेंट टू यूज मिलिट्री आर्मी और आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स प्रॉपरली। उसको सिर्फ सेरेमोनियल योर प्रोटोकॉल पार्टनर, बस पार्टी कर देना, पार्टनर झंडा फहरा देना, पार्टनर ये कर लो, हथियार की डील हो रही है। नहीं नहीं नहीं, एक एक कर्नल लेवल का ऑफिसर या ब्रिगेडियर लेवल का ऑफिसर कितने कोर्सेज करने के बाद वहां पहुंचता है? अगर आप सिलेक्शन के बाद चुन के भेजते हैं हम, और उसके साथ जो आईएफएस का ऑफिसर है उसकी तो सर्विस है, कर्नल की जो सर्विस है वो आप देखोगे 22-24, किसी की ब्रिगेडियर की 30 साल, और वहां पर जो आईएफएस का बैठा है 15 साल की सर्विस वाला, तो एक्सपीरियंस भी कोई चीज है। अगर आपको जरूरत है तो उसको ट्रेनिंग दिला दो, जो दिल्ली में आपकी स्कूल है वहां उसको ट्रेनिंग दे दो, लेकिन उसको यूज करो डिप्लोमेटिकली। उसको सिर्फ इसमें मत यूज करो, साइलो बेस्ड डिप्लोमेसी मत करो, प्रॉपर करो। आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हम और हम भेजते हैं उसको बंगाली सिखा के, कई चीजें करके हम वहां भेज देते हैं। इसी तरीके से हमारे अफसर वहां कोर्स करने भी जाते हैं, स्टाफ कोर्स करने जाते हैं, एनडीसी कोर्स करने जाते हैं। वी शुड यूज देम प्रॉपरली, वी शुड यूज देम इन अ गुड मैनर। एंड आई मस्ट शेयर विद माई फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है कि ये सब ठीक ठाक ही चलता रहता है। बांग्लादेश में एक हमारे ऑफिसर जो गए थे वो अनफॉर्चुनेटली एक गलत चीज में फंस भी गए थे, और उन्होंने काफी चीजें आउट हो गई थी उनके पास जो मटेरियल था। तो हर तरह का वहां पे होगा, उसका क्या है, वो तो इक्का दुक्का होगा, लेकिन उससे हम डर तो नहीं सकते। सो आई वुड रेकमेंड। एंड दूसरा, हमारी कॉपरेशन पीस बिल्डिंग में बहुत हो सकती है, बिकॉज पहले तो बांग्लादेश के ऑफिसर इंडिया में आते थे ट्रेनिंग के लिए, अब नहीं आते क्योंकि उन्होंने अपनी एकेडमी बना ली है। सो दैट डजंट मीन दैट वी शुड डू एक्सचेंज विजिट्स, एंड इफ रिक्वायर्ड वी शुड सेंड सम ऑफिसर्स देयर सो दैट दे आल्सो सेंड सम हियर। सो दीज लिंकेजेस वी मस्ट मेंटेन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई ऑलवेज फील वी शुड बी एग्रेसिव इन हार्नेसिंग लिंकेजेस इन नेवी ऑफ
बांग्लादेश, बिकॉज बांग्लादेश आर्मी को तो हम कंट्रोल कर लेंगे, हम तो बांग्लादेश के तीन तरफ तो है ही, चारों तरफ है। हाँ, तो लेकिन जो नेवी उनकी है वो बहुत अनसेटलिंग इन्फ्लुएंस कर सकती है हमारे लिए, क्योंकि अगर उनकी नेवी हमारे साथ चले, अगर वो नेवल कोऑपरेशन करें, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और जो हम बे ऑफ बंगाल के अंदर जो हम एक अपनी इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं, उसमें बांग्लादेश की कोऑपरेशन हमारे काम आ सकती है। बिकॉज देखिए आप और कौन सी कंट्रीज हैं वहां पर, जो म्यांमार है वो तो चाइना की तरफ लीन कर रहा है, जो कि आप नीचे चले जाओ थाईलैंड, और जो इंडोनेशिया है और मलेशिया है वो न्यूट्रल पोस्चर में है, या थाईलैंड तो थोड़ा सा चाइना की तरफ लीन कर जाता है। तो वी मस्ट कल्टीवेट ईच कंट्री, बिकॉज देर इज अ इंक्रीजिंग टॉक कि थाईलैंड क्रा कनाल बना देगा जो मलक्का को बाईपास कर देगा। तो वी हैव टू टेक दिस इनटू थिंग्स इनटू अकाउंट कि अगर हम बांग्लादेश को अपने साथ लेकर चलेंगे मैरीटाइम डोमेन में, इट विल हेल्प अस, इट विल स्ट्रेंथन अस। आई कंप्लीटली एग्री विद यू सर, थैंक यू फॉर दिस एक्सीलेंट।